हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसकी कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत आसानी से मजे मजे में चैप्टर को आप डील करोगे। तो समझिए, इसका फर्स्ट टर्म है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बच्चों, सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स के आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सारी पॉसिबिलिटीज के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, टॉसिंग अ क्वाइन कि अगर आप एक सिक्के को उछालोगे तो क्या क्या पॉसिबल, जैसे आप एक सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसके कितने सैंपल स्पेस पॉसिबल है, टू। देयर आर टू आउटकम्स इन इट्स सैंपल स्पेस। ओके, तो अगर आप एक सिक्के को टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। सिमिलरली टॉसिंग अ टू कॉइंस, टॉसिंग टू कॉइंस, जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है, देखो ध्यान से सुनो, लिखना भी सीखना है, आउटकम्स हम कैसे लिखेंगे। सिंगल वाले कॉइन का आप लिखो हेड टेल, हेड टेल लिख लिया। इसके बाद आपको इस दोनों में हेड हेड लगाना है और इस दोनों में क्या लगाना है, टेल टेल लगाना है। ये होगा हेड हेड टेल टेल। तो बच्चों ये चार आउटकम्स पॉसिबल है। अगर टू कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, दैट इज फोर आउटकम्स। सिमिलरली टॉसिंग थ्री कॉइन्स, टॉसिंग थ्री कॉइन्स, अगर थ्री कॉइन्स को टॉस करेंगे तो ध्यान रखना जो टू कॉइन्स का आउटकम से पहले आप उसे ट्वाइस लिखो, दो बार लिखो, एच एच टी एच, एच टी टी टी, सेम एच एच टी एच, एच टी टी टी। ओके बच्चों ध्यान से समझिए, फर्स्ट रोज में आपको हेड लगाना है, सेकेंड रोज में आपको टेल लगाना है, इस समय आप हेड लगाओ, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। तो कहने का मतलब अगर थ्री क्वाइंस को हम टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे, एट आउटकम्स। ओके बच्चों, सिमिलरली आप फोर के लिए भी निकाल सकते हो। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो सैंपल स्पेस का दूसरा टर्म है हमारा डाइस और डाई। डाइस और डाई दोनों एक ही चीज है। पहले पुरानी इंग्लिश में डाई का प्लूरल डाइस होता था, अब डाइस हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आपने ऐसा लूडो गोटी वाला जो गोटा होता है बड़ा वाला, वो आपने देखा होगा, उस पर या तो वन आ सकते हैं या टू आ सकते हैं, थ्री आ सकते हैं, फोर आ सकते हैं, फाइव आ सकते हैं, सिक्स आ सकते हैं। तो देयर आर सिक्स पॉसिबिलिटीज फॉर अ सिंगल डाई, पॉसिबल आउटकम इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दैट इज टोटल सिक्स आउटकम्स। ओके बच्चों, ओके बच्चों, हम देखेंगे सैंपल स्पेस इन द केस ऑफ डबल डाइस। जब डबल डाइस को हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, सिमिलरली लाइक दैट अप टू सिक्स सिक्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा, 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। लेकिन बच्चों याद रखना कि अगर दोनों डाइस पे सेम आउटकम्स आ जाए, दैट इज वन वन और टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ओके, इन सारे आउटकम्स को हम कहते हैं डबलेट्स। याद रखना कि जब दो डाइस को हम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 36। उसमें जो सेम इवेंट्स वाले आउटकम्स होंगे, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ऐसे आउटकम्स को हम क्या कहेंगे, डबलेट्स। ओके बच्चों,
ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे डेक की। डेक जिसे आप प्लेइंग कार्ड्स के नाम से जानते हो, इस प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड्स को किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कितने किस किस कलर के कौन कौन से कार्ड होते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की सारी बात को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद करेंगे, आपने HDFC बैंक का नाम सुना होगा, HDFC। ओके, HDFC, बस इस F को आप रिप्लेस करोगे किससे, S से। तो क्या बनेगा, HDFC। ट्रिक हमारी क्या बनेगी, HDFC। ओके, HDFC। तो बच्चों ध्यान से समझिए, इस पूरे प्लेइंग कार्ड को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, HDFC। ओके, दिस एच स्टैंड्स फॉर हार्ट, डी स्टैंड्स फॉर डायमंड, एस स्टैंड्स फॉर स्पेड्स, सी स्टैंड्स फॉर क्लब्स। ओके, अगर आप इसके सिंबल की बात करो तो हार्ट कार्ड आपका ऐसा दिखता है। ये आपका हार्ट कार्ड, ओके। और अगर आप बात करो डायमंड की, तो डायमंड कार्ड आपका ऐसा होता है, डायमंड कार्ड लाइक दैट। ऐसे सिंबल आपको कार्ड्स के दिखेंगे, हार्ट पे ऐसे सिंबल, डायमंड पे ऐसे सिंबल, स्पेड्स कार्ड आपका ऐसा होता है। स्पेड्स कार्ड पे ऐसा सिंबल बना होता है आपका, क्लब्स कार्ड आपका ऐसा होता है। चलो ये बच्चों, ये तो सिंबल की बात हो गई कि हमारे पास हार्ट, डायमंड, स्पेड्स और क्लब्स, ये चार कार्ड्स होते हैं। और हार्ट कार्ड्स की क्वांटिटी होती है 13, डायमंड की भी 13 और स्पेड्स की भी 13 और क्लब्स की भी 13। तो 13 × 4 = कितना हो जाएगा, 52। दूसरी बात बच्चों, ये रेड कलर का होता है और ये भी रेड कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये भी ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो अगर आपसे कहा जाए टोटल रेड कार्ड तो आप कहेंगे 13 और 13 कितना होगा, 26। और अगर आपसे कहा जाए टोटल ब्लैक कार्ड तो भी आप कहेंगे 13 और 13 कितना होगा, 26। ओके बच्चों, ये जो 13 कार्ड्स है, इस पूरे 13 कार्ड्स का भी एक प्रॉपर नेम है, ध्यान से सीखिए। 13 कार्ड्स, इस 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड है आपके, सबसे पहला आता है एस, किंग, क्वीन, जैक एंड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जो वन नंबर का कार्ड है वही हमारा एस कार्ड है, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 से लेकर के 2 तक का नंबर।
ये 13 कार्ड्स के देख क्या क्या हो रहा है, एस किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ओके 1 2 3 4 और ये 9 13 कार्ड्स, ये सारे के सारे कौन से कार्ड है हमारे 13 कार्ड्स। तो बच्चों याद रखना ये 13 कार्ड्स हार्ट में भी होंगे, ये 13 कार्ड्स डायमंड में भी होंगे, ये 13 कार्ड्स स्पेड्स में भी होंगे, ये 13 कार्ड्स क्लब्स में भी होंगे ओके। अब देखो कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें इनकी फोटो बनी होती है, इमेज बनी होती है, ऐसे कार्ड है आपके किंग किंग क्वीन एंड जैक। चलो बच्चों इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको और बताऊं, ये जो 13 कार्ड्स है ये जो सारे कार्ड्स है आपके ईच 4 कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स चार चार होते हैं, एस भी चार, किंग भी चार, क्वीन, एस चार कैसे, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड्स में और एक क्लब्स में, एस कितने होंगे 4। इसी प्रकार से किंग कितने होंगे 4, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड्स में और एक क्लब्स में, जैक कितने होंगे 4, 1 2 3 4 जितने भी कार्ड्स है सारे कार्ड्स चार चार पीस होंगे, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड्स में और एक क्लब्स में। तो ध्यान से समझना, और इन पूरे चार चार कार्ड्स में से कितने रेड कार्ड्स होंगे, ईच 4 कार्ड्स में से 2 रेड कार्ड्स होंगे और 2 क्या होंगे ब्लैक कार्ड्स। सपोज एस की बात करो तो एस हमारे पास 4 होंगे, जो हार्ट और डायमंड में होगा वो क्या होगा रेड कलर का, जो स्पेड्स और क्लब्स में होगा वो क्या होगा ब्लैक कलर का। इसी प्रकार से किंग की बात करो, किंग कितने होते हैं हमारे पास 4, जो हार्ट और डायमंड में होंगे वो क्या होंगे रेड कलर के, जो स्पेड्स और क्लब्स में होंगे वो क्या होंगे ब्लैक कलर के। तो कहने का मतलब इस पूरे 13 कार्ड्स में से टोटल 4 होंगे और इस टोटल 4 में से 2 रेड होंगे और 2 क्या होंगे ब्लैक होंगे, याद रखना। इसके बाद समझिए कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसपे इनकी फोटो बनी होती है और वो कार्ड्स है हमारे किंग क्वीन और जैक, और इसीलिए इन कार्ड्स को हम फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स इसलिए बिकॉज किंग क्वीन जैक पे इनका फेस बना हुआ होता है। तो अगर आपसे कहा जाए टोटल फेस कार्ड कितने होंगे तो किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितने होते हैं 4, जैक कितने होते हैं 4, तो 4 3 12 और ओके इस किंग में रेड कितने होते हैं 2, ब्लैक कितने होते हैं 2, क्वीन में रेड कितने होते हैं 2, ब्लैक 2, जैक में रेड कितने होते हैं 2, ब्लैक कितने होते हैं 2। तो कहने का मतलब इस फेस कार्ड्स में भी अगर आप कैटेगरी करो रेड फेस कार्ड की, रेड फेस कार्ड ये कितने हो जाएंगे 6 2 2 2 6 रेड कार्ड्स, और अगर ब्लैक फेस कार्ड की बात की जाए ब्लैक फेस कार्ड्स तो कितने हो जाएंगे 2 2 2 दैट इज 6 ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि किंग ऑफ डायमंड कितने होते हैं, किंग ऑफ डायमंड का मतलब डायमंड में कितने किंग होते हैं, आपको मालूम है किंग कितने होते हैं 4, हार्ट में एक, डायमंड में एक, स्पेड्स में एक, क्लब्स में एक, तो किंग ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से जैक ऑफ स्पेड्स अगर कहा जाए तो जैक टोटल कितने होते हैं 4, स्पेड्स में कितने होंगे 1, तो क्या हो जाएगा जैक ऑफ स्पेड्स कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से कहा जाए क्वीन ऑफ क्लब्स कहा जाए अगर आपको तो क्वीन कितनी होती है 4, क्लब्स की क्वीन कितनी हो जाएगी 1। तो अगर इस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ स्पेड्स या जैक ऑफ क्लब्स तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 ओके बच्चों। ओके बच्चों तो उम्मीद करता हूं आपको सैंपल स्पेस समझ में आ गया होगा कि डाइस के केस में सैंपल स्पेस क्या होंगे, कितने डाइस में कितने आउटकम्स होंगे, क्या क्या होंगे, क्वाइंस के केस में सैंपल स्पेस क्या होंगे, या डेक जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो प्लेइंग कार्ड्स था हमारा 52 कार्ड्स उसके केस में कौन कौन से कार्ड क्या क्या होंगे। बच्चों ये सारे रिजल्ट हमारे किसके थे सैंपल स्पेस के थे। अब हम बात करेंगे सर्टेन इवेंट्स की, सर्टेन इवेंट्स। बच्चों यार एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर एक बैग के अंदर एक रेड कलर का बॉल है, एक बैग है और उस बैग के अंदर एक रेड कलर का बॉल है, बॉल ओके, एक बैग के अंदर एक रेड कलर का बॉल है, तो अगर आपसे कहा जाए
कि आप उसमें से एक बॉल निकालो, तो आप कौन सा बॉल निकालेंगे? यही रेड वाला तो निकालोगे ना। तो कहने का मतलब, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, कि जिस एक्सपेरिमेंट में हमें इवेंट्स के बारे में एग्जैक्टली मालूम हो कि अगर हम देखें या ना देखें, अगर हम उसमें से बॉल निकालेंगे तो रेड कलर का ही बॉल निकलेगा। और इस तरह के इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा वन होती है। क्या होती है? वन होती है। तो सर्टेन इवेंट्स कौन सा इवेंट्स होगा? वो इवेंट्स जो बिल्कुल सर्टेन हो, जो हमें श्योर मालूम हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा ही होगा। जैसे रेड कलर का बॉल था बैग के अंदर, अगर हम देख के निकाले या बिना देखे निकाले, सेम बॉल निकलेगा रेड कलर का, और इस बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन होगी। हमेशा याद रखना। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब है? इम्पॉसिबल इवेंट्स वो इवेंट होता है जो अकर ही नहीं होता। जैसे आपसे कहा जाए कि हमारे आप एक डाइस थ्रो करो, डाइस थ्रो करने के बाद बताओ सेवन किससे आ रहा है? तो बच्चों, डाइस में तो सिक्स तक के ही आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 सेवन एट नाइन टेन, ये आउटकम्स डाइस पे नहीं होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स जो पॉसिबल ही नहीं है, ओके, जो कभी आ ही नहीं सकते, तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स कहेंगे। और इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको कहूं, एक बैग के अंदर एक रेड कलर का बॉल है और ये बॉल है रेड कलर का, एक बॉल, और आपको कहा जाए इस बैग में से एक ग्रीन कलर का बॉल मत निकालो। तो बच्चों, इसके अंदर तो एक ही बॉल है और वो भी रेड कलर का है, तो ग्रीन बॉल कहां से होगा? ग्रीन बॉल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझिए लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर आपका कोई इवेंट ई है, ओके, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, कोई इवेंट आपका ई है और इसे मैं कह रहा हूं सक्सेस। बच्चों, जिस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी उसे हम क्या कहेंगे? सक्सेस। ओके, और इसका जो कंप्लीमेंट इवेंट्स होगा, कंप्लीमेंट इवेंट्स को हम क्या करेंगे? ई नॉट, पी ई नॉट से डिनोट करेंगे। सब क्या पढ़ेंगे? पी ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ओके, और इस इवेंट्स को हम कहेंगे फेलियर्स। क्या कहेंगे? फेलियर्स। और इस पूरे का जो सम होता है हमेशा वन होता है। याद रखना कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो सक्सेस और जो फेलियर्स है, इस दोनों का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? वन होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज इन द केस ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन, अगर आप एक क्वाइन को टॉस करोगे तो आउटकम क्या आएगा? हेड और टेल। अगर आपसे कहा गया हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेगा वो हमारा क्या होगा? सक्सेस होगा। तो हेड हमारा क्या होगा? सक्सेस। और टेल हमारा क्या होगा? फेलियर्स। ओके, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालोगे तो हेड कितनी बार है? 1 times 1/2, इसे मैं ई कह रहा हूं और इसे मैं क्या कह रहा हूं? ई नॉट। देयर इज ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया आपका? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉटिंग निकालोगे, नॉटिंग का मतलब फेलियर्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2। और जब आप इन दोनों का सम निकालेंगे पी प्लस पी नॉट ई, तो 1/2 + 1/2 दैट इज 1। फेलियर्स और सक्सेस दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 1। तो बच्चों, यहां से दो रिजल्ट निकलते हैं कि अगर पीई और प्लस पी नॉट ई की वैल्यू 1 गिवन है, अगर आपको पीई निकालना है पी, तो 1 में से हम क्या करेंगे? पी नॉट ई को माइनस करेंगे। एक ये रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर आपको पी नॉट ई निकालना है तो ये हो जाएगा 1 - probability of E। तो बच्चों याद रखना, ये जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने कंप्लीमेंट इवेंट्स भी आपके डिस्कस कर दिए कि अगर कोई इवेंट्स आपका ई है तो इसका जो कंप्लीमेंट इवेंट्स क्या होगा? वो पी नॉट होगा। अगर आप इसे सक्सेस कहोगे तो इसके कंप्लीमेंट को आप क्या कहेंगे? फेलियर्स। और कोई भी इवेंट्स और उसके कंप्लीमेंट इवेंट्स, इस दोनों का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसी वजह से जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमेशा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हमेशा
जीरो या जीरो से क्या होगी ग्रेटर होगी और वन या वन से क्या होगी स्मॉलर होगी। याद रखना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है वन भी हो सकती है और इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जीरो से स्मॉलर स्मॉलर देन जीरो स्मॉलर देन जीरो नॉट पॉसिबल। ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन नॉट पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी जीरो से छोटी नहीं हो सकती और वन से ग्रेटर नहीं हो सकती। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो से स्मॉलर का मतलब नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखना। ओके बच्चों तो अब समझिए इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है दोज आउटकम्स हुज प्रोबेबिलिटी इज सेम। समझिए इसके एग्जाम्पल से, जैसे अगर आपसे कहा जाए इन द केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज हेड और टेल, तो अगर आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ तो आप कहेंगे 1/2, और अगर आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताओ तो भी आप कहेंगे 1/2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। इस दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है इसलिए इस दोनों इवेंट्स को हम क्या कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो कहने का मतलब ऐसे हो किसी भी एक्सपेरिमेंट के वो सभी इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सेम हो, इस तरह के इवेंट्स को हम क्या कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके बच्चों।